तो हे गाइस, वेलकम टू टेक्निकल वॉरियर। मैं हूँ राकेश और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फाइल सिस्टम के बारे में कि फाइल सिस्टम होता क्या है और हम किस तरह से इसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा फाइल ट्रांसफ़र के रिलेटेड और फाइल सिस्टम के रिलेटेड। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं आखिरकार फाइल सिस्टम होता क्या है। तो अगर आप अपने कंप्यूटर और लैपटॉप में किसी भी फाइल को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र कर सकते हो यानी कि भेज सकते हो तो आप सिर्फ फाइल सिस्टम की मदद से ही कर सकते हो। और ये फाइल सिस्टम 3 टाइप का होता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 3 टाइप के फाइल सिस्टम के बारे में बताऊंगा और आप इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं वो भी मैं आपको फुल डिटेल्स में बताऊंगा। तो सबसे पहले विंडो का सबसे पहला फाइल सिस्टम की बात करते हैं। तो विंडो का सबसे पहला फाइल सिस्टम है FAT32। तो FAT32 का पूरा नाम है फाइल एलोकेशन टेबल। तो ये विंडो में 1977 में इंट्रोड्यूस कराया गया था और ये विंडो का सबसे पुराना फाइल सिस्टम है। तो FAT32 का मैक्सिमम फाइल कैपेसिटी है 4GB, यानी कि किसी भी फाइल का जो साइज़ है वो 4GB है तो उस फाइल को आप दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र कर सकते हो, यानी कि मान लीजिए किसी भी पेन ड्राइव में आप कॉपी कर सकते हो, लेकिन 4GB से ज़्यादा किसी भी फाइल को आप इस फाइल सिस्टम में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। तो FAT32 का मैक्सिमम कैपेसिटी 4GB होने के कारण आप 4GB से ज़्यादा किसी भी डेटा को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। मान लीजिए आप कंप्यूटर से SD कार्ड में और पेन ड्राइव में किसी भी फाइल को कॉपी करना चाहते हो तो अगर उस फाइल का साइज 4GB से ज़्यादा होगा तो आप कॉपी नहीं कर सकते। तो आपके सामने एक एरर शो करेगा जिसका नाम है फाइल टू लार्ज। तो आप बात करते हैं विंडो का दूसरा फाइल सिस्टम की। तो विंडो का दूसरा फाइल सिस्टम का नाम है NTFS यानी कि न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। तो इस फाइल सिस्टम को विंडो में इंट्रोड्यूस कराया गया था 1993 में और ये विंडो NT में लॉन्च हुआ था। तो इस फाइल सिस्टम का मैक्स कैपेसिटी है 16 TB, यानी कि 16 TB किसी भी फाइल को आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं इजीली। तो नॉर्मली NTFS फाइल सिस्टम का यूज़ लैपटॉप और कंप्यूटर में होता है। तो अगर आप अपने कंप्यूटर के हार्ड ड्राइव पार्टीशन में जाएंगे और किसी भी पार्टीशन को सिलेक्ट करेंगे और प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे तो आप देखेंगे उस फाइल सिस्टम का यूज़ NTFS है। तो अब बात करते हैं विंडो का तीसरा फाइल सिस्टम की। तो विंडो का तीसरा जो फाइल सिस्टम है उसका नाम है exFAT फाइल सिस्टम। तो exFAT का पूरा नाम है एक्सटेंसिबल फाइल एलोकेशन सिस्टम। तो ये विंडो में नवंबर 2006 में लॉन्च हुआ था। तो इसका बेसिकली काम है अगर आप 4GB से ज़्यादा किसी भी फाइल को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो ये फाइल सिस्टम आपको हेल्प करेगी ट्रांसफ़र करने में। तो हम exFAT फाइल सिस्टम के यूज़ ज़्यादातर केस में लैपटॉप और कंप्यूटर से किसी भी डेटा को शेयर करने के लिए कर सकते हैं। तो मान लीजिए आपको अपने कंप्यूटर से किसी भी एक्सटर्नल ड्राइव में और पेन ड्राइव में किसी भी फाइल को ट्रांसफ़र करना है जिसका साइज 4GB से ज़्यादा है तो आप इस फाइल सिस्टम की मदद से वो आसानी से कर सकते हैं। तो इस फाइल सिस्टम का मैक्स कैपेसिटी 16 TB की होने की मदद से आप 16 TB तक किसी भी फाइल को शेयर कर सकते हैं इजीली। ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगता है तो ज़रूर से लाइक कीजिएगा और आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा।